गरीबों पर अपहंच सरकारी योजना मेंटुनी सर्वनिम्न आवश्यकता ददरा कांथ फटा पलिथिन तले परिवार एपटे राज्य सरकार धूआबाण बदलू गरीबों भाग्य बेफिकर सरकार राज्य में बढ़ुची दादन दुख 23 वर्षर स्थिर सरकार पुरुषार्थ उपरे उठिला प्रश्न गरीबों पर लंबुची राज्य सरकार योजना तालिका केवल प्रचार में अटकी जाउची विकास कालीपरी आज भी पेटपाई गरीब परिवार रे जारी रही संघर्ष गंजाम जिला पात्रपुर ब्लॉक रो एही दृश्य राज्य सरकार प्रतिश्रुति को धुआं बाण प्रमाणित कर ब्लॉक कार्यालय ठारु मात्र 3 किलोमीटर दूर तीन घरिया ग्रामर संतोषिनी नायक निकट में पहुंची पारिनी कौन सरकारी योजना किछि वर्ष मध्यरे स्वामी ससुर दियर को हरई संतोषिनी पुओ सहित तो छाटीमाटी घरे मुंड गुंजिले भी स्थानीय प्रशासन किंवा राजनेता नजर पड़ी बारंबार आवेदन पर भी राशन किंवा विधवा भत्ता मिलुन से अभियोग कर तेणु बाध्य से दादन खटिबा को जीवा को निष्पत्ति नहीं संतोषिनी समस्या दूर करने तो दूर कथा स्थानीय वीडियो गरीबों संपर्क में प्रतिक्रिया देवा मना कर आ केमती बंची मुझे आम शाशु दुईटा पिला को धरिक चेन्नई पलि आठी कम कर गोटे सान पा को धरिकी आमती एड़ी बंचुची कि मिलूनी आम को कि रोक जगह ना खाया भात ना सेमती का आम रही यार पुओटे मरीगला सान पुटा मरीगला बापा धरिकी बापा मरीगला बापा मरीगार केतेदिन पर बड़ पु भी मरीगला तार गोटे विधवा बहू अच्छी लक्ष्मी नायक तार स्त्री अच्छी दीज जनता आज्ञा भत्त ना चाउल भी मिलूनी एवं घरटार अवस्था मो पक्षपट देखुए आप अवस्था से बारंबार मु वीडियो को अन्य अन्य ऑफिसर को कहले भी आज पर्यंत किए कान दे तेणु मु अनुरोध करुच्ची प्रशासन को तार घरटा को टी आस देखु से किमती अवस्था अच्छी ना मैडम खाली कही था एपटे शिल्प समृद्ध संबलपुर जिले में बढ़ुची दादन दुख जिले में माळमाळ शिल्पानुष्ठान बेले हजार हजार युवक दादन खटिया राज्य बाहर को जीवा बाध्य अढ़ई दशंधि पूर्व जिले में शिल्प प्रतिष्ठा जारी रही भी सरकारों बेकारी दूरीकरण योजना फेल मारी जिले में कोरोना काल तीन वर्ष पर भी दादन संख्या कमिया परिवर्तन बढ़ चली गत वर्ष जुलाई मासरे विधानसभा 14 दादन प्रवण जिला तालिका प्रकाश करते सरकार सरकार तालिकार संबलपुर जिला नद्वेग प्रकाश कर जिलावासी 2020 जिले में राज्य बाहर खटुवा दादन श्रमिकों संख्या 11,257 पंजीकृत होता एवं संख्या 14,000 पहुंची 2019 संबलपुर जिलूर 169 लाइसेंस प्राप्त संस्था द्वारा मोट 9,544 जन श्रमिक राज्य बाहर को जाते 2020 संख्या बढ़ी 11,256 पहुंची 2021 13,036 2022 मे सुधा दादन संख्या 13,349 पहुंची सरकारी तथ्य अनुसार चलित बर्ष दादन संख्या 13,820 अतिक्रम कर सारी तथा सरकार को कहूँ सरकार खाली कागज पत्र नहींटा लेबर ऑफिसर थ्रु हो कि जिलापाल महोदय आज निजे ये जिनस को केन्द्रीय खत्म करवे तथा संबलपुर जिला जेनटा कि पूरा शिल्पांचल भरीचे तथा इन्हें जदि कार्य पा मन को जदि ट्रेनिंग देकर काम रे जदि लगा जाए तो इन्हें व्यवस्था भी बहुत अच्छे जंगल पानी सब जगह भरपूर अच्छे लेकिन सरकार किसी स्कीम नहीं सरकार किसी योजना नहीं आज पर्यंत जिते निजुक्ति मिला से लोक मैंने चाकरी पाले ना पहला तो मोर मुंडे उंकी मारूचे पहला तो मोर कहार कथा है राज्य सरकार हो केन्द्र सरकार हो तुरंत विधिवत भाव में जदि उचित पदक्षेप ने दादन श्रमिक खटी जबार कमी जा आज आप श्रम ऑफिस के जाऊन समलपुर लेबर ऑफिस के जाऊन तांकोटी रिपोर्ट नहीं थी के दादन खटिगले मुझे चैलेंज कर जिला प्रशासन गोटे डीआईसी बोलकर समलपुर अच्छी लोक से मैट्रिक पास कलापुर ग्रेजुएसन बीटेक पे भी से रजिस्ट्रेसन कर आज पर्यंत शिल्प निजुक्ति जो हवा कथा से आज पर्यंत हो पार्लानी कहाँ भा के बारे गोटे जाकर कौ रड़ाखोल एरिया रे कौ कुचिंदा एरिया रे गोटे निजुक्ति मेला रो गोटे प्रक्रिया करदे कौन से लाभ होनी देखा गले
କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା ନିଯୁକ୍ତି ହେଇନି। କରୋନା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଫେରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ନେଇଥିଲେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ଯୋଜନାର ସୁଫଳ। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଳ, ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବାରୁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର 23 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟିରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟୀ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।